मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि योगी जी ने ऐसी बात कही है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जब कोई मामला सब ज्यूडिस होता है, यानी कोर्ट के अधीन होता है, जैसा कि ज्ञानवापी और वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, कुछ पिटीशंस लोअर कोर्ट में भी हैं, तब जब मामला कोर्ट के अधीन है उस पर किसी भी जिम्मेदार नागरिक को कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिम्मेदार नागरिक नहीं, यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे बैठा है वो आदमी ऐसा कह रहा है, तो एक तरह से ये जुडिशरी को प्रभावित करने की कोशिश है। और मेरा मानना है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, और न्यायपालिका को मुख्यमंत्री को नोटिस देना चाहिए कि जो मामला सब ज्यूडिस है उस पर वो टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। कि अयोध्या जैसी पावन धरती पर इस समय भ्रष्टाचार मचा हुआ है, जमीनों की खरीद फरोख हो रही है और बीजेपी के विधायक और अधिकारी यह भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जब ऐसा भ्रष्टाचार अयोध्या में हो रहा है तो अन्य जिलों में क्या? तो अन्य जिलों में तो उससे ही बुरा हो रहा है। देखिए, अभी इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी छापी थी श्यामलाल यादव जी ने कि वहां पे किस तरीके से पिछले 3-4 सालों में सर्किल रेट को बढ़ने ही नहीं दिया गया, और जितने भी सरकार से जुड़े लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे जुडिशरी के लोग हों, इनके सरकार के मंत्री लोग हैं, सब लोगों ने अयोध्या में जाकर के जमीन खरीदी है। तो योगी सरकार ने बेसिकली अयोध्या को जमीन लूट का एक मॉडल बना दिया है, और उनको लगता है कि धर्म से जुड़ी, आस्था से जुड़ी जो भी जगहें हैं वहां हम इस तरह का लूट कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे आगे आने वाले समय में दूसरी जगह भी करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में सपा राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश द्वारा दिए गए मठाधिपतियों में ज्यादा अंतर नहीं है, इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला दहन, ये आक्रोश की बात थोड़ी है। भाजपा के लोगों को तो खुश होना चाहिए कि माफिया और मठ वाले एक ही हो गए हैं, क्योंकि वो तो शुरू से ही चाहते रहे हैं। इसमें विपक्ष के लोग कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। अगर आप योगी जी के पिछले रिकॉर्ड्स को देखिए तो आप पाएंगे कि एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम अपने ऊपर जो दंगा फसाद आगजनी आर्सन के जो मुकदमे थे उससे अपने आप को इन्होंने बरी किया। ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे पहले अपने को क्लीन चिट दिए हैं। ये मुकदमे आपके ऊपर क्यों दर्ज हुए थे? अगर आप संत महात्मा होते तो आपके ऊपर तो मुकदमा नहीं होता। बहुत सारे लोग यहाँ पे अड़गड़ानंद से लेके तमाम लोग संत महात्मा हुए हैं, किसके ऊपर मुकदमा है? तो जब आप माफिया का काम करेंगे तो आपके ऊपर तो मुकदमा होगा ही। तो अगर आपको कोई माफिया और ये कह रहा है कि मठ के लोग एक हो गए हैं तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। सवाल खड़े कर रहा है, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कल मंगेश यादव का परिवार आया था मिलने और सच्चाई जानने के लिए उनसे उन्होंने मुलाकात की, और परिवार वालों का कहना है कि मंगेश यादव को रात में पुलिस उठा के लेके गई घर से, फिर उसके बाद बिल्कुल। देखिए, सिर्फ मंगेश यादव की बात नहीं है, जितने भी एनकाउंटर हुए हैं 10,713 एनकाउंटर हुए हैं 2017 के बाद, और अगर न्यायिक जांच हो जाए, सही से जांच हो जाए, तो आपको एक भी एनकाउंटर जेन्युइन नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अनऑफिशियली एक ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है जिसके बारे में हर आदमी को पता है कि ये क्या है। लोगों को पकड़ा जा रहा है, पैर में उनको गोली मार दी जा रही है। जाति अगर उनकी वो है जो बीजेपी की वोटर नहीं है तो उनको सीधे पेट में या सीने में गोली मारी जा रही है। तो जिस तरह से उनके विजुअल्स आए हैं उनके घर के, हमारे अध्यक्ष जी भी गए थे, हमारे ओबीसी के चेयरमैन जी भी गए थे वहां पे, वो बहुत ही गरीब परिवार का लड़का, उसके पास गाड़ी के नाम पे एक साइकिल है, वो डाका डालेगा तो उसका घर ऐसा होगा? असली जो डकैत लोग हैं वहां तो सरकार उनको संरक्षण दे रही है। तो इसमें जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कांग्रेस पार्टी उनसे सहमत है। देश विरोधी बयान देते हैं, वे जाति सर्वेक्षण कराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता है कि वे किस जाति के हैं, उन्हें यह नहीं पता कि वो मुसलमान है या ईसाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का स्तर इसी तरह का है, उनको और पूरे देश को कृतज्ञ होना चाहिए राहुल गांधी का कि उनके वजह से जातिगत जनगणना का सवाल पूरी दुनिया में उठ रहा है, और दुनिया के दूसरे देशों में भी जहां जहां इस तरह की सिस्टम होगा वहां वहां भी जातिगत जनगणना कराने के लिए दूसरे मुल्क भी प्रेरित होंगे। मैं तो मानता हूं कि नेल्सन मंडेला के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय की बात वैश्विक फलक पे कर रहा है तो राहुल गांधी है।
बीजेपी को इससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन देश को कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं कि भाजपा और अमित शाह का लक्ष्य केजरीवाल का राजनीतिक कैरियर खत्म करना। सिर्फ उन्हीं का नहीं, भाजपा का लक्ष्य तो इस देश के संविधान को ही खत्म करना है। उसके सामने आदमी क्या चीज है? तो ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, लेकिन अब देश के लोग जागरूक हो गए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी अंदेशा जो भी इनकी साजिश है पूरी हो पाएगी। ज्ञान वापी का मामला कोर्ट में चल रहा है और जो कोर्ट फैसला करेगा उसे दोनों पक्षों को मानना चाहिए, लेकिन भाजपा की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास को लेकर के संघर्ष कर रही है और सरकार को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव द्वारा दिए गए मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं है, ये बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी विद्वेष और बदले की भावना से कार्रवाइयां कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आतंक, दमन, जुल्म, अन्याय का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, जो आज युवा मोर्चा के लोगों ने पुतला फूंकने का काम किया है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर उतर आएगी तो समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पुतला फूंकने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में जमीनों पर खरीद फरोख का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी के अधिकारी और विधायक सब मिल के अयोध्या में बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं जमीनों का, और बीजेपी सरकार भूमाफियों में सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के आसपास की भूमि खरीदने में भारी भ्रष्टाचार एवं घपला करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी भू माफियाओं की पार्टी बन गई है और पूरे प्रदेश में सरकारी जमीनों पर, जमीन नजूल की है उस पर कब्जा करने का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के मकानों को तोड़ करके उन मकानों पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है, इसीलिए पूरे प्रदेश में गरीब लोगों के मकानों को तोड़ने की, दमन की कार्रवाइयां हो रही हैं। विधायक की सभा राष्ट्रीय सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि कल मंगेश यादव के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की और सच्चाई जानी। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर रात में मंगेश यादव को उसके घर से उठा ले गया और उसके बाद जो है रात में इनकाउंटर कर दिया गया, फेक इनकाउंटर कर दिया गया। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में सराफा व्यवसायी के वहां डकैती हुई और 2 सितंबर को मंगेश यादव को उसके घर से पकड़ा गया। वो अपने घर में सो रहा था। कोई इतना बड़ा डकैती करने के बाद अपने घर में सोता नहीं है, और 2 तारीख को उसको पकड़ करके 5 तारीख को उसका फर्जी मुठभेड़ दिखा करके उसकी हत्या करने का काम हुआ। उसके परिवार के लोग कल समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आए थे और उन्होंने बताया कि 2 सितंबर को जब मंगेश यादव अपने घर में सो रहा था तब पुलिस पकड़ के ले गई और 3 दिन के बाद उसे गोली मार करके उसकी हत्या करने का काम किया गया है। भाजपा की सरकार में जो मुख्य आरोपी था उसको कोर्ट में सरेंडर करा दिया
और जो निर्दोष लोग थे उनकी फर्जी काउंटर में इन हत्या करने का काम किया गया। तीन और आरोपी थे, उनके पैर में गोली मारी गई और मंगेश यादव के काउंटर करके उसकी हत्या करने का काम किया। करते हुए कहा कि आज राहुल गांधी अमेरिका जाकर देश विरोधी बयान देते हैं और जाति जनगणना कराने की मांग करते हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि वे किस जाति में पैदा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो समाज के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हैं, उनके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान देने का काम नहीं कर रही है। लगातार पूरे देश में जातीय आधार पर जनगणना कराए जाने की मांग हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातीय आधार पर आरक्षण को न देना पड़े इसलिए जाति आधार पर जनगणना कराने का काम नहीं कर रही है, और इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भाजपा के खिलाफ आदेश करने पड़ रहे हैं। और जब देश में कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो जब देश के बाहर सभाएं होंगी तो वहां भी जो घटनाएं देश में हो रही हैं उसका जिक्र बाहर भी होगा। आम आदमी पार्टी के सरकार की राजनीति कैरियर खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोग विद्वेष और बदले की भावना से काम कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लगा करके, उनको जेलों में बंद करके, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर दिखा करके विपक्षी नेताओं की हत्या करवाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की भी हत्या कर रही है और तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज दबाने के लिए विपक्षी नेताओं पर लगातार फर्जी मुकदमे और गिरफ्तारियां होने का काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को भी 6 माह से अधिक समय मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर बंद करने का जो काम किया गया, इससे स्पष्ट हो गया है कि देश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर तानाशाही के माध्यम से सरकार चलाना चाहती है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मैंने उस समय कहा था जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, तब मैंने उस समय कहा था कि प्रदेश में यह गठबंधन बड़ा बदलाव लेके आएगा, लेकिन बसपा द्वारा अचानक गठबंधन तोड़ दिया गया, फिर उसके बाद फोन भी उठाना बंद कर दिया गया। 2019 में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिल करके चुनाव लड़े थे। उस समय बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी सीट नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद मायावती को अहंकार हो गया और उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से फोन से बात करना बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया और गठबंधन को तोड़ दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि 2024 में फिर बहुजन समाज पार्टी 0 पर पहुंच गई, उसको एक भी सीट नहीं मिली और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई और 37 पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए, 37 लोग सांसद बन गए। देखिए, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उसको सब मानते हैं, जो वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद है उसको भी सब मानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को बताने के लिए कुछ रहा नहीं है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति हुई और जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं उससे डर करके इस तरीके के बयान देने की कोशिश पहले भी की है। पिछले 1.5 वर्ष से यही काम कर रहे थे
जनता ने मोहर लगा दी कि काठ की हंडिया बार बार नहीं चलती, आप लोगों को धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते, ये मिली जुली संस्कृति का देश है, इसीलिए मेरा भारत महान है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकताओं में एकता जो है वो मेरे भारत का जो है असली है, ये लोग उसको बांटना चाहते हैं। दूसरा कि इन्होंने अलगाववाद की जमीन तैयार किया जम्मू कश्मीर में, आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर में अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, इसी सवाल में मैं जोर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो है मुठभेड़ में 2 सैनिक शहीद हुए हैं और 3 आतंकवादी मारे गए हैं। देखिए, मेरी ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी कब तक पिछला कोसेंगे। आपको 10 साल पूरे हो गए, 11वां साल चल रहा है, आपको वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए हुए 6 साल हो गए, और जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी हमारे सेना और पुलिस के जवान रोज शहीद हो रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करें कि वो उनकी नीति पूरी तरीके से फेल्योर साबित हुई है, वो दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है, जम्मू कश्मीर की जनता जो है बहुत ही डिसाइसिव मैंडेट देने जा रही है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। लेकिन एनसी और पीडीपी को क्रिटिसाइज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जब इन्हें सत्ता में आना होता है तो दोनों परिवारों की मदद लेते हैं और आज राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद अगर बीजेपी को नंबर नहीं मिला फिर उन्हें अगर कोई समर्थन करने को राजी हो जाए तो वही परिवार फिर ठीक हो जाता है। यही तो है ना, मोदी जी का हर भाजपा का तो यही है, जिनको वो आज जम्मू कश्मीर में कोस रहे हैं, बार बार उनके साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई है, जिस अफजल गुरु को के बारे में वो बार बार कहते हैं उसी को शहीद बताने वालों के साथ उन्होंने वह सरकार चलाई है, मोदी जी की भाजपा ने। मैं वाजपेयी जी की भाजपा की बात नहीं कर रहा, वो तो कश्मीरियत और इंसानियत की बात करते थे, मैं तो नरेंद्र मोदी की भाजपा की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद कहने वालों के साथ सरकार चलाई मिल करके, किस मुँह से, मतलब अच्छा आप जो है, मतलब क्या कहना चाहिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं वो, लेकिन बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। वो तो कह रहे हैं एम्स, आईआईटी, रोजगार के इतनी सुविधाएं जम्मू कश्मीर में है कि अब वहाँ के युवा को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। ये तो जम्मू कश्मीर का युवा और देश का युवा जानता है कि कहाँ रोजगार है। रोजगार सिर्फ भाजपा के नेताओं की औलाद के लिए है इस देश में, और किसी के लिए रोजगार नहीं है। पूछिए आकर के जरा क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। आपका मॉडल जो गुजरात मॉडल था ना, वो दिखाई दे रहा है कि 2017 में जो 42 करोड़ रुपए में फ्लाईओवर बनाया जाता है उसको तोड़ने के लिए 52 करोड़ रुपए का ठेका दिया जाता है। आपका कर्नल बसगौड़ा पाटिल हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर भारत विरोधी बयान देते हैं, जातिगत सर्वेक्षण की बात करते हैं, लेकिन वो किस जाति में पैदा हुए हैं यह बताने से इनकार करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका जन्म मुसलमान में हुआ है या ईसाइयों में। देखिए, बसंत गौड़ा पाटिल यतनाल जो हैं वो कितनी पार्टियों में रहे हैं, आपने कहा मेरा कर्नाटक, वो जब मैं जनता दल एस में तो वो जनता